अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक और ज़बरदस्त बोस्नियन फ्लैट ब्रेड। ये बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाने के लिए मैं जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। मैदा हमें चाहिए 1 किलो, मैंने इसको अच्छे से छान लिया था। ऑयल हमें चाहिए हसबे ज़रूरत, जस्ट हाथ पे लगाने के लिए। पानी हमें चाहिए 300 ml। 350 ml हमें नीम गरम दूध चाहिए। इंस्टेंट ईस्ट हमें चाहिए 14 ग्राम है ये। एक पैकेट जो है वो 7 ग्राम का है, ये आप देख सकते हैं। मैंने 2 पैकेट इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो फ्रेश वाला ईस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मेरे पास सफ़ेद और काले तिल हैं, ये हमें हसबे ज़रूरत चाहिए। 1.5 टीस्पून हमें चीनी चाहिए और 1 टेबलस्पून हमें नमक चाहिए। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीम गर्म दूध में इंस्टेंट ईस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 10 मिनट इसको कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटा देंगे और इसमें हम चीनी नमक ये डाल देंगे। और मैं आपको दही बताना भूल गई थी, 1/2 कप हमें दही भी चाहिए, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और दूध डाल के जो हमने ईस्ट डाल के रखा था इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो ग्लव पहन लें, ये काफ़ी स्टिकी होता है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं अब इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको हमने बहुत सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट रख के हमने इसको गूंदना है। बिल्कुल हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। और आप ये देख सकते हैं ये अभी काफ़ी स्टिकी डो हो चुकी है। और इसी तरह हमने इसको, चाहे तो आप लकड़ी का कोई स्पून ले लें उससे इसको गूंद लें, तो चाहे तो आप ग्लव पहन लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और हाथों के साथ काफ़ी चिपकता है। और इस तरह जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह हमने इसको 4 से 5 मिनट तक गूंदते जाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं रखना, जिस तरह ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ये नरम सी डो रखनी है। दूध और पानी आप अपने मैदे के हिसाब से लीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि कुछ मैदे जो हैं वो पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। इसलिए इस चीज़ का आप खुद साथ ध्यान रखिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल इसको नरम सा रखना है, बिल्कुल नरम सा जिस तरह मैंने इसको रखा है। और अब मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा उसी तरह फोल्ड करती जाऊंगी, साइडों से लूंगी और अंदर की तरफ करती जाऊंगी। इसी तरह हमने करते जाना है काफ़ी टाइम। और अब मैं इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर दूंगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से राइज हो चुका है। क्लिंग को हटाएंगे और स्क्रैपर की मदद से बाउल को अच्छे से क्लीन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये राइस तो हो चुका है लेकिन अभी ये काफ़ी स्टिकी है। और वर्क सरफेस पे हम मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह हम इसको बाउल में से निकाल लेंगे और अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। मैदा डस्ट करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर हम इसको तकरीबन 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और इस तरह हम मैदा डस्ट करेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे, जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह। और बहुत हल्के हाथों से हमने ये काम करना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको इस तरह अंदर की तरफ करना है और इस तरह नीचे मैदा डालना है और ऊपर हमने जो पेड़ा बना के रखा है वो रखते जाएंगे। और इसी तरह दूसरा भी हम करेंगे और इसी तरह मैं बाकी के सारे पेड़े भी बना के रख लूँगी। और ये देखें सारा हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इस तरह हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से करते जाएंगे। 4 से 5 दफ़ा हमने ये स्टेप करना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। उंगलियों की मदद से हम इसको फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा भी नहीं रखना। ओवन को मैंने प्रीहीट कर दिया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे
और इस तरह हम इसको बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। बेकिंग ट्रे पे मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे रेडी करती जाऊंगी। मेरी बोस्निया की फ्रेंड थी, एक्चुअली वो हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी और वो रमज़ान में मुझे 2-3 दफ़ा ये दे के गई थी, तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे। इंशाल्लाह मैं इनके साथ जो कबाब बनते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। अब ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह पानी लगा दूंगी। पानी लगाने के बाद इस तरह स्क्रैपर की मदद से हम इसमें निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसमें जो है ऊपर तिल लगा देंगे, सफ़ेद और ब्लैक तिल जो हैं वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इनको हम ओवन में रखेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड में 8 से 10 मिनट के लिए। और ये देखें 8 मिनट में ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है ये ब्रेड रेडी हुई है और ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हमारे घर में ये बहुत बनती है और इस तरह आपने जैसे ही ओवन से निकालने इस तरह आपने इसको अच्छे से जो है कपड़े के साथ कवर करके रख देना है कि इसको हवा ना लगे और अपनी ही हीट में ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। इस तरह ये देखें इसकी एक पाउच सी बन जाती है और इसमें ये लोग कबाब बीच में रख लेते हैं और प्याज रखते हैं। और ये देखें परफेक्ट ये रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इंशाल्लाह मैं आपको बोस्नियन कबाब भी बनाना सिखाऊंगी जल्द ही, आप वो भी मेरे चैनल पे देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फी मान अल्लाह।